ऑस्ट्रेलिया को हराकर साउथ अफ्रीका ने जीता एक और मुकाबला। शानदार परफॉर्मेंस के सामने घुटने टेक दिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप 2023 का एक और शानदार मुकाबला खेला गया, जहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर लगातार दूसरा मुकाबला जीत लिया है वर्ल्ड कप 2023 में। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले में साउथ अफ्रीका की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला पैट कमिंस ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और साउथ अफ्रीका की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। साउथ अफ्रीका जहां दो बदलावों के साथ उतरी तो एक बदलाव के साथ उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम। वहीं पर दोस्तों, इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे तेम्बा बोमा, तो उनके साथ थे क्यूटन डिकॉक। वहीं पर दोस्तों, पांचवें ओवर की चौथी गेंद पर क्यूटन डिकॉक के बल्ले से निकले पहले छक्के ने इस मुकाबले में उनकी पारी का शानदार आगाज किया। तो इसके बाद छठे ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने तीन बेहतरीन चौके चॉस हेजलवुड के ओवर में लगाए। तो इसके बाद तेम्बा बोमा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने आठवें ओवर में पैट कमिंस की गेंद पर बेहतरीन चौका मिडविकेट बाउंड्री लाइन की तरफ लगाया। इसके बाद दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी जारी रही क्यूटन डिकॉक की और उन्होंने बारहवें ओवर की पहली गेंद पर एक और कमाल का छक्का पैट कमिंस की गेंद पर लगाया। इस बार ये छक्का फाइन लेग के ऊपर से गया, जहां पर 74 मीटर का छक्का उन्हें मिला। इसके बाद क्यूटन डिकॉक ने एडम जेम्पा के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका जड़कर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर दिया। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी और टीम के लिए ये बेहतरीन अर्धशतक जड़ दिया। पिछले मुकाबले में इनका शतक था तो यहाँ पर अर्धशतक जड़कर अपनी पारी को शतक की ओर आगे बढ़ाने लगे। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 100 रनों की पार्टनरशिप के बाद यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहली सफलता दिला दी। यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने तेम्बा बोमा को डेविड वार्नर के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेजा। डेविड वार्नर का एक बेहतरीन कैच मिड विकेट पर रहा। इसके बाद दोस्तों, यहां पर बोमा 55 गेंदों पर 35 रन बनाकर इस मुकाबले में पेवलियन लौटे। लेकिन इसी बीच क्यूटन डिकॉक का कमाल का परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने 23वें ओवर की पांचवीं गेंद पर एक और कमाल का छक्का जॉस हेजलवुड की गेंद पर लगा दिया। इस बार उन्होंने कमाल ही तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 23वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। यह भी कमाल का छक्का था। इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी रही उनकी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका वेन डेर डुसेन के बल्ले से भी देखने को मिला। राशि वेन डेर डुसेन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे जब उन्होंने 28वें ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। उनका बेहतरीन कैच सिन एबॉट ने पकड़ा और एडम जेम्पा ने उन्हें पेवलियन भेजा। 30 गेंदों पर वो 26 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर क्यूटन डिकॉक का जलवा आगे भी कायम रहा और उन्होंने शानदार छक्के के साथ अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। ये कमाल का शतक था उनके बल्ले से निकला और बैक टू बैक उनका यह शतक था, और ऐसा कारनामा उनसे पहले एबी डिविलियर्स ही कर पाए थे जब उन्होंने वर्ल्ड कप में बैक टू बैक शतक लगाया था साउथ अफ्रीका की तरफ से। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी कर रहे क्यूटन डिकॉक को पेवलियन भेजने में कामयाब हुए ग्लेन मैक्सवेल की एक शानदार गेंद पर वो बोल्ड होकर पेवलियन लौटे। 106 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी डिकॉक के बल्ले से देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज हेनरी क्लासेन ने आते ही 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर कमाल का चौका लगाया। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को मिडविकेट बाउंड्री लाइन की तरफ भेजकर बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी हेजलवुड के एक और शानदार चौका स्क्वायर लेग की तरफ एडन मार्करम के बल्ले से देखने को मिला, और इस ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए साउथ अफ्रीका ने 14 रन बटोर लिए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन इसी बीच दोस्तों, 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्टार्क के एक और शानदार छक्का एडन मार्करम के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद एडम जेम्पा के ओवर में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन चौके जड़े। इस ओवर में लगे उनके बल्ले से दो बेहतरीन चौकों के साथ ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एडन मार्करम ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। 41 गेंदों पर ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा कर टीम को काफ़ी शानदार स्थिति में
पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन 44वें ओवर की पहली गेंद पर पैट कमिंस ने उनको चलता किया हेजलवुड के हाथों कैच कराकर, और बड़ा झटका लगा यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम को, क्योंकि वो जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर सकते थे वो यहाँ पर मैच चेंजिंग हो सकती थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 45वें ओवर की पहली गेंद पर एक और झटका हेनरी क्लासेन के रूप में लगा। ये सबसे बड़ा विकेट हो सकता था क्योंकि वो मैच को यहाँ पर भी टर्न कर सकते थे, लेकिन वो भी 27 गेंदों पर 29 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद अंत में यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई मार्को येंसन ने भी, उनके बल्ले से भी कई शानदार शॉट देखने को मिले। इस दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने स्टार्क की गेंद पर एक कमाल का छक्का भी जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए डेविड मिलर के बल्ले से भी 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का छक्का देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन आखिरी ओवर में ऐसा कुछ खास नहीं कर पाए। जब दोस्तों पहली गेंद पर चलते बने यहां पर मार्को येंसन, जिन्होंने 22 गेंदों पर 26 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर स्टार्क ने डेविड मिलर को भी बोल्ड करके पेवलियन भेज दिया। उन्होंने 13 गेंदों पर 17 रन बनाए और पूरी साउथ अफ्रीका की टीम 50 ओवर में 311 रन तक पहुँच पाई और ऑस्ट्रेलिया के सामने 312 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने डेविड वार्नर और मिचेल मार्श उतरे। इन्हें आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन आज के मुकाबले में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों एक बेहतरीन चौका चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिला, जब यहां पर डेविड वार्नर ने शानदार तरीके से गेंद को कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश मिचेल मार्श ने भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को येंसन ने पहली सफलता दिला दी साउथ अफ्रीका की टीम को और यहां पर पेवलियन भेजा मिचेल मार्श को, जिन्होंने 15 गेंदों पर 7 रन बनाए। इसके बाद डेविड वार्नर भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। डेविड वार्नर का शानदार कैच राशि वेंडर डुसेन ने पकड़ा और लुंगी एंगेडी ने उन्हें पेवलियन भेजा। उन्होंने 27 गेंदों का सामना किया और 13 रन बनाए। दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद अब मुश्किल में फंस चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। लेकिन इसी बीच स्मिथ के बल्ले से कुछ बेहतरीन शॉट जरूर देखने को मिले, लेकिन इसके बाद 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर कंगिसो रवाडा ने स्टीव स्मिथ को भी चलता किया। एक बेहतरीन गेंद पर यहाँ पर शानदार रिव्यू लिया था साउथ अफ्रीका ने और वो रिव्यू सक्सेसफुल हुआ, जिसे देखकर समित के साथ ही अंपायर और सभी हैरान थे। लेकिन आखिरकार गेंद स्टंप्स को हिट कर रही थी, जिसके चलते यहाँ पर पेवलियन लौटना पड़ा स्टीव स्मिथ को, जिन्होंने 19 रन बनाए। इसके बाद इंग्लिश क्रीज पर उतरे, लेकिन उनको भी रबाडा ने 12वें ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड करके एक और महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर साउथ अफ्रीका की झोली में डाल दी। और इस मुकाबले में जोस इंग्लिश से बड़ी उम्मीदें जरूर थी ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ 4 पर 5 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर दोस्तों मैक्सवेल थोड़ी देर क्रीज पर रुक के जरूर, लेकिन 17वें ओवर की पहली गेंद पर उनका बेहतरीन कैच महाराज ने पकड़ा और कॉटिन बोल्ड करके पेवलियन भेज दिया ग्लेन मैक्सवेल को भी। वो 17 गेंदों पर 3 ही रन बना पाए और काफ़ी निराश होकर पेवलियन लौटे। इसके बाद एक और इस मुकाबले का कंट्रोवर्शियल विकेट देखने को मिला, जब मार्को स्टोइनिस के ग्लव्स के लगकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जरूर गई थी, लेकिन जिस ग्लव्स को गेंद लगी थी वो बल्ले के हैंडल को टच नहीं कर रहा था। ऐसे में यहाँ पर उन्हें नॉट आउट देना चाहिए था, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया और मार्को स्टोइनिस 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद मिचेल स्टार्क ने यहाँ पर अच्छी साझेदारी निभाई मानस लाबुसेन के साथ मिलकर, और एक समय तक लग रहा था कि 100 तक पहुँचने में भी इस टीम को मुश्किलें होगी। वहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने कई बेहतरीन शॉट खेले और दोनों के बीच बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप हो गई। अब दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना तेज़ी से शुरू करना चाहते थे, लेकिन तभी दोस्तों एक बार फिर यहां पर बेहतरीन चौका मिचेल स्टार्क के बल्ले से 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 34वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को येंसन ने एक शानदार गेंद डाली, जिस पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मिचेल स्टार्क, लेकिन गेंद किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और एक और सफलता यहाँ पर मिल गई साउथ अफ्रीका की टीम को। हम बात करें स्टार्क की, तो उन्होंने 51 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेली और वो पेवलियन लौटे, लेकिन उनके आउट होने के बाद 35वें ओवर की चौथी गेंद पर मानस लबुसेन का एक बेहतरीन कैच तेम्बा बाउमा ने पकड़ा और उन्हें भी पेवलियन की राह दिखा दी केशव महाराज ने। मानस लाबुसेन 73 गेंदों का सामना करने के बाद 46 रन बनाकर पेवलियन लौटे और एक और झटका ऑस्ट्रेलिया की टीम को लग गया।
इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान पैट कमिंस के बल्ले से कुछ बेहतरीन शॉट जरूर देखने को मिले, लेकिन वो भी अपनी पारी को ज़्यादा लंबी नहीं कर पाए और 41वें ओवर की तीसरी गेंद पर तबरेज शम्सी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन डेविड मिलर के बेहतरीन कैच ने उनकी पारी को भी समाप्त किया। इस मुकाबले में पैट कमिंस ने 21 गेंदों का सामना किया जिन पर वो 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी विकेट भी 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही मिल गया, जब तबरेज शम्सी ने जोस हेजलवुड को कंगिस और अबाडा के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 177 रनों पर ऑल आउट कर दिया और इस मुकाबले को 134 रनों से जीत कर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की ये जीत आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।